नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अप्रैल का महीना क्या कुछ खास मकर राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने की समयावधि में, यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर मकर राशि के जातकों को किस प्रकार की उपलब्धि मिल सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे अप्रैल के महीने में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी रहेंगी, कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम मकर राशि के जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। उपाय के दौरान चार मुख्य खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप मकर राशि के जातक करते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर अप्रैल के महीने में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनिदेव आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में पूरे अप्रैल के महीने में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके सुख भाव पर और केतु देव आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। अप्रैल के शुरुआती 6 दिनों तक शुक्र आपके राशि के चतुर्थ भाव पर यानी सुख भाव पर गोचर करेंगे। 6 तारीख को यह परिवर्तित होकर आपके राशि के पंचम भाव पर जाने वाले हैं। मंगल देव पूरे महीने तक आपके राशि के 6वें भाव पर रोग भाव पर प्रभावी होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य योग महीने के 15 दिनों तक आपके पराक्रम भाव पर बन रहा है और 15 अप्रैल को सूर्यदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में 22 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात यह परिवर्तित होकर आपके राशि के चतुर्थ भाव पर जाने वाले हैं, पराक्रम भाव से निकलकर। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां अप्रैल के महीने में सामने निकल कर आ रही है और ग्रही स्थितियां आपके जीवन में क्या बदलाव निर्मित कर सकती है। देखिए, आपके राशि के दशम भाव पर केतु देव पूरे महीने गोचर करेंगे और आपके राशि के दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। शनिदेव की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में निरंतर प्रयासरत जातकों को नई नई संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। अप्रैल के महीने में जो जातक जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नए जॉब प्राप्त होने का प्रबल संकेत शुरुआती 15 दिनों में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं तो आपको अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली है। प्रमोशन जैसी स्थितियां भी आपके जीवन में शुरुआती 15 दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ शुक्रदेव आपके राशि के लिए काफी ज्यादा प्रभावी बने हुए हैं, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर या सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए
मकर राशि के जातकों धन भाव पर स्वयं शनिदेव पूरे महीने भर गोचरी स्थितियों में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में आपके लिए स्थितियां काफी ज्यादा सकारात्मक बन रही है। मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर राशि के छठवें भाव पर शुभ स्थितियों में रहेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जातक मेहनत के अनुसार सफलता जीवन में आर्थिक मामलों में अर्जित कर सकते हैं। यहां पर मकर राशि के जातकों के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्नता बनी रह सकती है। पारिवारिक जीवन के ऊपर धन के व्यय की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यर्थ के खर्च से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने के शुरुआती 14 से 15 दिनों की समयावधि में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन जाया कर रहे हैं तो आपको सावधानी रखना चाहिए। लेन देन करते समय भी बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों राशि के चतुर्थ भाव पर राहु देव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव पर शनिदेव गोचरी स्थितियों में हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में स्थिति आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। चतुर्थ भाव पर राहु की उपस्थिति बीच बीच में आपके पारिवारिक जीवन में अवांछनीय तनाव देने के लिए स्थितियां निर्मित कर सकती है। तो मकर राशि के जातकों को जीवन में सावधान होकर पारिवारिक संबंधों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के 6 अप्रैल के पश्चात राशि के पंचम भाव पर शुभ स्थितियों में विराजित होने वाले हैं। शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए प्रेम संबंध के मामले में बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो 6 अप्रैल 2023 के पश्चात आपके जीवन में भावनात्मक संलयता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मकर राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में रहेंगे और सप्तम भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां लगातार बनी हुई है। तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि जिन जातकों की उम्र शादीशुदा दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ भाव पर राहु के साथ युति बनाएंगे। तो 22 अप्रैल के पश्चात कहीं ना कहीं यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो व्यर्थ के विवादों से आपको जरूर बचना होगा। संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति होने की प्रबल संभावना मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मकर राशि के जातकों राशि के स्वामी काफी शुभ स्थितियों में हैं और राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी शुक्रदेव की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है, जिसे पूर्ण रूपण कहा जा सकता है कि इस समयावधि में प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी शुभ स्थितियों में रहने की वजह से आपको बेहतर उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में अप्रैल के महीने में आपके राशि के लिए यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में मकर राशि वाले जातकों शनिदेव की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है, जिससे आपको गंभीर किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सेहत के मामले में केवल एक सावधानी मकर राशि के जातकों को रखनी चाहिए। यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतें यदि आप अपने दिनचर्या में ऐड करके चलते हैं तो सेहत के मामले में आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों के लिए इस समयावधि में मनोबल से आप भरे हुए रहेंगे और यदि किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको चली आ रही थी उससे भी आपको निजात मिलने वाली है।
तो इस प्रकार का प्रभाव अप्रैल के महीने में आपके जीवन में दिखाई देगा। यदि उपाय की जानकारी दिया जाए, उपाय को बताने से पूर्व मकर राशि के जातकों को कुछ विशेष सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मकर राशि के जातकों को अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आपके आत्मसम्मान और आपके मनोबल में कमी देखने के लिए मिलती है। इसलिए आपको जीवन में इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। दूसरा, मकर राशि के जातकों को जीवन में टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास रखें, किसी चीज को पाने के लिए जिद बनाएं। इससे आप जीवन में पाएंगे कि उल्लास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और हर क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। शनि जन्य साढ़े साथी की तीसरी ढैया मकर राशि के जातकों के जीवन में चल रही है, तो यहां पर मकर राशि के जातकों को सही डायरेक्शन में ही काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें, यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए घर के सभी सदस्य मिलकर यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर निकलकर सामने आने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।